एसिड ये एक साईफाई ड्रामा फिल्म है जो अमेजोन प्राइम पर हिंदी में रिलीज़ हुई और अब फाइनली मैं ये फिल्म देख चुका हूँ और अब मैं आप लोगों से अपने इस क्विक रिव्यू के जरिए मेरा इस फिल्म को देखकर जो भी अच्छा या बुरा एक्सपीरियंस रहा वो शेयर कर रहा हूँ। तो पहले तो मैं आप लोगों को इस फिल्म की कहानी के बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूँ। आप इस फिल्म में देखेंगे कि हमारी दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाने की वजह से एक ऐसा क्लाउड आसमान पर छा जाता है जिससे खतरनाक एसिड रेन होने लगती है और उस बारिश से इंसान जलने लगते हैं। ऐसे में एक फैमिली अपने सर्वाइवल के लिए क्या कुछ करती है वो सब जानने के लिए आपको देखना होगा इस फिल्म को। अब बात करें कि मेरा एक्सपीरियंस इस फिल्म को देखकर कैसा रहा, तो देखो जो कॉन्सेप्ट है इस फिल्म का वो तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और ऐसे ही सिमिलर कॉन्सेप्ट पर नेटफ्लिक्स की सीरीज़ है द रेन, उसमें भी बारिश की वजह से एक वायरस फैलता है जिससे इंसान मरने लगते हैं। इस फिल्म का कॉन्सेप्ट बुरा नहीं है लेकिन जो एग्जीक्यूशन है इस कॉन्सेप्ट की वो काफ़ी बुरी है। पहली बात, इस फिल्म की कहानी में काफ़ी लूप होल्स मौजूद हैं। दूसरा, जिस फैमिली को आप इस फिल्म में फॉलो करेंगे, जिन करेक्टर्स को आप इस फिल्म में अपने सर्वाइवल के लिए लड़ता देखेंगे, वो करेक्टर्स थोड़े भी इंटरेस्टिंग और लाइकेबल नहीं है। काफ़ी अनोइंग किस्म के करेक्टर्स आपको इस फिल्म में देखने को मिलेंगे, खास तौर पर जो टीनेजर लड़की है इस फिल्म में उसको आप काफ़ी हेट करोगे उसकी स्टूपिड हरकतों की वजह से। तो जब फिल्म में मेन करेक्टर्स इंटरेस्टिंग और लाइकेबल ही नहीं है और हम एज अ ऑडियंस उनके लिए कोई केयर या टेंशन फील ही नहीं कर पाते, तो फिर इन बातों से भी फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कितनी मुश्किल सिचुएशन का सामना कर रहे हैं। एक्टर्स की परफॉर्मेंस है, फिल्म का म्यूजिक और प्रोडक्शन वर्क है, वो सब कुछ डिसेंट है। इन शॉर्ट, मुझे ये फिल्म बिल्कुल पसंद नहीं आई, इसलिए मैं इस फिल्म को आपको बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूँगा। तो ओवरऑल देखते हुए मैं इस फिल्म को रेट करूँगा 5 out of 10। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और चैनल सब्सक्राइब करना ऐसी और रिव्यूज़ देखते रहने के लिए।